ये सारा का सारा जो हमारा सिस्टम है डिवाइन से कनेक्टेड होता है, और बिना डिवाइन के हम लोग इस एस्ट्रोलॉजी की लाइन पे नहीं जा सकते। ऑकल्ट में जितने भी मेथड है सब डिवाइन से कनेक्टेड है। तो हम प्रे करेंगे, आप लोग भी एक बार प्रे करके मनी मन हम उसको स्टार्ट करें। अभी हम लोग आज जो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन सेशन है, आज हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स, 8 या 9 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने आज अभी नई एंट्री दी है, क्योंकि वो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 5 लेक्चर्स होंगे वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी के होंगे, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आफ्टर 5 क्लासेस हम उनको एंट्री देंगे, नहीं तो होता क्या, जिन्हें आता होता है ना तो वो बोलना शुरू कर देते हैं, अरे ये ऊंच होगा, ये नीच होगा, सर ये तो शत्रु है। तो जो नए सीख रहे होते हैं उन्हें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बिल्कुल हमने पैटर्न ऑप्ट किया कि हम नर्सरी से कर रहे हैं। अगर किसी को कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजी या बेसिक आता होगा तो वो शांति रहेंगे, क्यों, क्योंकि जो बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं ताकि उनको भी सारा मटेरियल वो लोग ले सकें। और आफ्टर 5 क्लासेस वो लोग ज्वाइन करेंगे, तो अप्रॉक्सीमेट 40 के आसपास का हमारा बैच होगा ये वाला, जिसमें हम प्रैक्टिस सेशन और होमवर्क वो भी आपको देंगे ताकि आप असाइनमेंट कर सके। और मोबाइल ऐप में बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जिनके थ्रू आप हर इवेंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी कि आप कहीं भी जा रहे हैं जस्ट अपना ऐप ओपन करेंगे, ये वाला इवेंट मेरे लिए सूट करता है नहीं करता, ये काम मुझे करना है नहीं करना, हर प्रकार के इवेंट को थ्रू मोबाइल ऐप उसको यूज कर सकते हैं। और ऐप सारे के सारे मार्केट के ही, ऐसा नहीं है कि हम लोगों का कुछ बना हुआ है, हर ऐप के अंदर एप्लीकेशन होती है। तो मैं 1 by 1 करके हमारा कैसे स्टार्ट होगा पहले आपको वो पैटर्न शेयर कर रहा हूँ। हमारा जो शेड्यूल रहेगा क्लासेस का, सबसे पहले 20 क्लासेस का शेड्यूल रहेगा जिसमें हम पूरे कोर्स को कवर करेंगे। 4 क्लासेस हम लोग इसमें एक्स्ट्रा लेके चलेंगे जिसमें हम डिस्कशंस, केस हिस्ट्रीज और ये सारी चीजें करेंगे। हालांकि इस 20 क्लासेस के अंदर भी बहुत सारे होरोस्कोप पे हम लोग काम करेंगे, लेकिन 4 क्लासेस को हम लोग इससे छोड़ देते हैं अलग से, कि जिसमें बिल्कुल कोई ऐसा टॉपिक है या कोई कनेक्टिविटी टॉपिक है। कई लोग लाल किताब जानते हैं, कई लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं, तो न्यूमरोलॉजी को कैसे कनेक्ट करना है इसके साथ, क्योंकि जो लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं उनको अगर प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी आ जाएगा तो उनकी नॉलेज पे 4 चांद लग जाएंगे। और जो लोग लाल किताब करना चाह रहे हैं जिनको प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी आएगा तो डायग्नोस को बड़े अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो 4 क्लासेस हम इसमें एक्स्ट्रा रखते हैं। 20 क्लासेस का हमारा ये शेड्यूल रहेगा। ट्यूजडे, थर्सडे एंड सैटरडे 5:30 to 7 PM हमारी क्लास रहेगी, और वीडियो प्लेटफॉर्म और बेसिक मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। स्टडी मटेरियल आपको सारे के सारे यहाँ से प्रोवाइड होंगे, क्लास के बाद और क्लास से पहले। कुछ टॉपिक्स क्लास के बाद आपको मिलेंगे, कुछ टॉपिक आपको स्टार्टिंग पे मिल जाएंगे। बैकअप फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है। हमारा पूरा कोर्स इवेंट्स की फॉर्म में कन्वर्टेड है। सपोज किसी का कोई इवेंट अगर मिस हो जाता है तो आप एक फॉर्म का लिंक आपको मिलेगा, आप उसको सेंड कर दें फिल करके, तो जिस भी क्लास के अंदर वो टॉपिक आएगा आपको इन्वाइट कर देंगे। अभी भी हमारे 9 बैचेस अलग अलग मोड में चल रहे हैं, कुछ वीकली हैं, कुछ फास्ट ट्रैक हैं। तो जब जब जिस भी बैच के अंदर कोई टॉपिक आता है आपका मिस हो जाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल उस टॉपिक को दोबारा से कर सकते हैं। या किसी को ऐसा भी लगे कि ये वाला टॉपिक थोड़ा मिस हो गया या अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हुआ, आप उस चीज के लिए भी रिक्वेस्ट मनोज को भेज सकते हैं, तो हमारे पास कुछ सेशन अवेलेबल होते हैं। अगर उसके बाद भी कोई चीज आपके पास रह जाती है तो बैकअप फैसिलिटी हमारे पास है। तो जैसे ही 5 या 7 स्टूडेंट हमारे एक साथ इकट्ठे होते हैं तो बैकअप भी प्रोवाइड कर देते हैं, अलग से एक सेशन क्रिएट कर देते हैं। इन सारी चीजों में सिर्फ हड़बड़ाहट नहीं करनी है, टाइमिंग आने देना है और टाइमिंग को थोड़ा सा मैनेज करना है। यानी कि आज अगर कोई क्लास आपका छूट गया तो वेट करना जब वो नया टॉपिक आएगा, या 4-5 स्टूडेंट का जब डाउट इकट्ठा होगा तो बैकअप अरेंज करा देंगे। इसमें हम लोग ऑलमोस्ट 200 से 300 होरोस्कोप मजाक में एनालिसिस कर लेंगे। यानी कि जब जब इवेंट लगाएंगे, जैसे मैरिज का इवेंट लगेगा 10-20 हमारे उसी में आ जाएंगे, कैरियर का लगेगा 10-20 उसमें आ जाएंगे, तो 200 से 300 चार्ट हम लोग बड़ा इजी फॉर्म में पूरा एनालिसिस कर लेंगे। इसके बाद आप ये देखो, एक इवेंट प्लानिंग टेक्निक नाम के हेड मैंने बनाया हुआ है। ये इवेंट प्लानिंग टेक्निक जो है ये मेरे द्वारा इन्वेंटेड है। अब देखो, हम लोग कुछ भी रिसर्च नहीं कर सकते हैं, सारा मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। हम लोग क्या करते हैं, जो शास्त्रों का मटेरियल है ना उनको सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद उसमें कुछ अपना रिसर्च डालते हैं कि किस तरीके से ये वाला मटेरियल काम करेगा। तो जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है, 2 शादी के जब योग होते हैं तो
तो एक शादी करवा के तुड़वा देते हैं, फिर दूसरी शादी करवा देते हैं। तो ये वाला पैटर्न ना सभी यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा और किसी पैटर्न में कोई नहीं जाता। यानी कि अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो क्या उसको दोबारा फेल नहीं करा सकते, या पहले फेल करा दे किसी टेस्ट में? तो इवेंट प्लानिंग टेक्निक इज ए अमेजिंग टेक्निक। ये लर्न करने के बाद न्यूमरोलॉजी, लाल किताब और वास्तु, जो लोग जिस फील्ड में, उनको मजा आ जाएगा। और इसके इतने ट्रिमेंडस रिजल्ट्स हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जो प्लैनेट आपके साथ इवेंट करने की कोशिश कर रहा है, हम उसको रीड कर रहे हैं, और हम लोग रीड करके बोल रहे हैं कि यार तुम्हें प्रॉब्लम होने वाली है। अब प्रॉब्लम होने वाली है तो क्यों ना आर्टिफिशली हम वो प्रॉब्लम को क्रिएट कर दें। बहुत सारे वीडियोज भी हैं मेरे, कुछ सम्मेलनों में मैंने जैसे स्कैंडलस इवेंट के प्रेजेंटेशन भी दिए थे, आप लोग उनको भी देख लेना। वैसे हम क्लासेस में पूरा केस स्टडी करेंगे। तो इवेंट प्लानिंग टेक्निक को हम लोग पूरे कोर्स में हर इवेंट को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अभी हम लोग फ्रेशर हैं, 12th हाउस जो होता है हमारा लॉसेस का होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना अभी। 12th हाउस हमारा लॉसेस का होता है, यानी कि कोर्ट कचहरी के एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस, बिजनेस लॉस, और साथ में हमारा जो विदेश यात्रा होता है, फॉरेन ट्रेवल्स, वो भी 12th हाउस होता है। तो अगर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा हो कि किसी का लॉस इंडिकेट कर रहा है और वो लॉस हमारे कॉम्बिनेशन से मैच कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं या तो हॉस्पिटल चूज कर लो, या एक काम करो आप बिजनेस लॉस चूज कर लो, या फिर आप लिटिगेशन चूज कर लो। तो कहते हैं यार ये पॉसिबल थोड़े ना, तीनों चीजें अच्छी नहीं। तो फिर हम कहते हैं काम करो, क्यों ना फॉरेन ट्रेवल चूज कर लो, कहते ये बड़ा ईजी है। तो देखो फॉरेन ट्रेवल में क्या हुआ, हमने जो उसका लॉस होना था एक्सपेंसेस का, वो फॉरेन ट्रेवल में करा दिया, और 12वां घर अपनी मर्जी से चूज करवा दिया। ऐसी 8th हाउस बीमारी का होता है, 8th हाउस क्रॉनिकल डिजीज का होता है, 8th हाउस डेथ का भी होता है। हम पढ़ेंगे सारा का सारा, टेंशन नहीं लेना, एक एक चीज बड़ा डिटेल में करेंगे। 8th हाउस ओकल्ट साइंस का भी होता है, और 8th हाउस डिप्रेशन का भी होता है। तो जिसको डिप्रेसिव फीलिंग आती है, जिसको लगे कि मैं बड़ा डिप्रेशन हूं या कोई क्रॉनिकल डिजीज में जल सकता हूं, और जिसका 8वां घर एक्टिवेटेड हो, तो हम उसको बोलते हैं भैया एस्ट्रोलॉजी कर लो ना। तो क्या हुआ, आपने क्या किया, अपने अकॉर्डिंगली प्लान कर लिया। हम न्यूमरोलॉजी में क्या करते हैं, हम एनर्जीज प्लान करते हैं कि ये नंबर ले लेते हैं। हम वास्तु में क्या करते हैं, अपने जोन की एनर्जी को प्लान करते हैं कि यहाँ टॉयलेट बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। हम लाल किताब में क्या करते हैं, हम उपाय करते हैं। तो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में हम डायग्नोस करके अपनी प्लानिंग करेंगे। इट इज ए मार्वलस टॉपिक। ये बहुत सारे लोग अब इसको कॉपी करके हमारा वाला मेथड यूज भी कर रहे हैं, कुछ लोगों ने अपना भी डेटा बनाया होगा। हम लोग इसको 2015 से स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, और इट इज ए अमेजिंग टेक्निक। और इसमें हर किसी का, स्कैंडल का, कोर्ट कचहरी का, डॉक्टरी का, आपके साथ एक एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। जैसे चाइल्ड बर्थ का भी मेरा वीडियो आप अगर पहले देखना चाहो देख लेना। अब किसी का चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा था, अब चाइल्ड बर्थ में IVF भी होता है, IO भी, बड़े सारी चीजें होती हैं, उनका फेल जा रहा था। तो हम ये नहीं करें कि 100% हम चमत्कार कर देंगे, नहीं, हमने एज ए डॉक्टर उसकी सारी चीजों को रीड किया और कुछ प्लानिंग करके करी, और उसका बकायदा डॉक्यूमेंट एविडेंस लिया, उनके एफिडेविट है मेरे पास। आज तो 25-26 केसेस हमने सॉल्व करे हैं। तो चाइल्ड बर्थ हुआ कैसे, हुआ हमने 12 की टेक्निक यूज करी, 8 की टेक्निक यूज करी, 6 की टेक्निक यूज करी। तो इसको मैं इवेंट प्लानिंग टेक्निक बोलता हूँ। ये पूरे कोर्स के दौरान आपको पूरा का पूरा मटेरियल मिलेगा, कैसे इवेंट प्लानिंग टेक्निक पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे और हमारे पास क्या क्या इवेंट होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे। इसी वजह से 7-8 स्टूडेंट है हमारे जो बेसिक जानते हैं, उनको हमने अलाउ नहीं किया है। आफ्टर 5 क्लासेस वो लोग ज्वाइन करेंगे। पहला सेशन हमारा बेसिक एस्ट्रोलॉजी का होगा, जो 5 दिन का सेशन होगा। इस 5 डेज के सेशन के अंदर हम लोग जितना भी बेसिक एस्ट्रोलॉजी होता है, बेसिक एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, हाउसेस क्या होते हैं, नक्षत्रास क्या होते हैं, आपके एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, दृष्टियां कैसे चलती हैं, ऊंच नीच क्या होता है, शुभ क्या होता है, फ्रेंड प्लैनेट क्या होता है, एनिमी प्लैनेट क्या होता है, एक इतना बड़ा डेटाबेस जो पूरा वैदिक का ग्रामर है, इतने सुंदर तरीके से आपको देंगे कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा गारंटी, पूरा हर एक चीज बड़ा प्रेजेंटेशन वे में है और स्टोरी फॉर्म के अंदर है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 5 डेज में हमारा ये पहला मॉड्यूल कंप्लीट होगा, जो मस्ट है, क्योंकि आना चाहिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक नहीं आएगा तो आगे नहीं चल पाएंगे। और इसका ब्यूटी ये है कि ये वाला जो पार्ट है, ये लाल किताब में, न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में, सब जगह कॉमन होता है। तो इससे नॉलेज भी आपका इंक्रीज होता है
और साथ में जितना भी आप टीवी पे सम्मेलनों पे आप मटेरियल देखते हैं, आज शनि बकरी हो रहा है, आज मांगलिक चल रहा है, आज ये हो रहा है, ये सारा का सारा आपसे ऑलमोस्ट इससे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल स्टार्टिंग फॉर्मेट में। फिर हमारे पास प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट में आएंगे कि इसके बाद हम लोग बाईपास कर देंगे, बाईपास करने के बाद हम सीधा प्रिडिक्टिव के कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि प्रिडिक्टिव जो कॉन्सेप्ट है काम कैसे करता है, इसके रूल्स क्या है, सबसे पहले इसके मोर ओवर रूल्स क्या है, हमारा दशा पैटर्न क्या होता है, कब हमारा इवेंट हो सकता है और कैसा हो सकता है, हमारा प्रिडिक्शन कैलकुलेशन मेथड क्या रहेगा, हमें प्लैनेट को जज करना है और उसका स्ट्रेंथ निकालना। स्ट्रेंथ कैसे, अगर आपको ये पता लग जाए कि हमारे नो प्लैनेट हमारे जीवन में क्या करने आए, तो आप देखो आपके पास पूरा का पूरा सोर्स आ गया। राहु क्या करने आया, केतु क्या करने आया, सूर्य क्या करने आया। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सूर्य उच्च का हो गया, राहु नीच का हो गया, हमें ये चीजें नहीं करनी। स्ट्रेंथ का मतलब है कि राहु हमारे जीवन में करने क्या आया है, अगर प्रॉपर्टी देने ही नहीं आया है तो चाहे राहु का पीरियड आए या नहीं आए तो वो प्रॉपर्टी नहीं देने वाला। और अगर राहु हमें मालामाल करने आ रहा है, अगर आ रहा है हमारी कुंडली में और राहु का पीरियड भी चल रहा है, तो हमें उसका उपाय करने की नीड नहीं है, उपाय करके तो हम राहु को खराब कर देंगे। तो कैसे हम प्लैनेट की स्ट्रेंथ को जज करेंगे, नो के नो प्लैनेट। और जिस दिन आपको नो प्लैनेट की जजमेंट समझ में आ गई कि ये प्लैनेट मुझे क्या देने आए मेरी लाइफ में, आप समझ लो आपकी निकल पड़ी। अभी तक पता ही नहीं होता, हम लोग सिर्फ एक छाया में घूम रहे होते हैं कि यार यहाँ सूर्य बैठा है, दृष्टि मार रहा है, सूर्य करने क्या है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, उसको बोलो भाई सूर्य मेरी लाइफ में मेरे लिए करने क्या है, क्या मेरी शादी कराएगा, क्या बच्चा कराएगा, क्या पढ़ाई कराएगा। ऐसा नहीं होता कि हर प्लैनेट सारी चीजें करा रहा है। हमें अगर ये पता लग जाए कि ये वाला प्लैनेट ये काम करा रहा है, ये प्लैनेट ये नेगेटिव करा रहा है, तो जब उसका नेगेटिव पीरियड आएगा तो हम कंट्रोल कर पाएंगे। फिर हम निकालेंगे टाइमिंग ऑफ एन इवेंट और कैलकुलेशन प्रोसेस, यानी कि ये वाला जो घटना घटेगी हमारी लाइफ में, जितनी भी चीजें होंगी उसका एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होगा। तो इस कंसेप्ट में हम दो दिन लगाएंगे और पूरे रूल्स फॉलो करेंगे कि ये काम किस तरीके से प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी करती है। और ये इतना इजी मेथड से करेंगे कि आपको जैसे लगेगा 2 × 2 = 4 कर रहे हो, 4 × 2 = 8 कर रहे हो। फिर हमारे पास फर्स्ट इवेंट की हम स्टार्टिंग करेंगे मैरिज से, मैरिज कैलकुलेशन, डिवोर्स कैलकुलेशन, टाइमिंग ऑफ मैरिज कैसे निकालना है, लव अफेयर्स, अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, डाउरी हो गया, मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम चल रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं हो जाएगी, दहेज पता लगे देना पड़ जाए। कई बार क्या होता है, लड़का ही कहता है मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, कई बार वो पता करता है कि हमारा डेस्टिनेशन मैरिज होगा नहीं होगा, कई बार शादी के बाद इमीडिएटली डेथ तो नहीं हो जाएगी। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स आपके निकलेंगे मैरिज के टॉपिक में कवर करेंगे, हमारा ये 2 दिन का टॉपिक रहेगा मैरिज का। और जितना हमने रूल्स को पढ़ा है उस सारे फंडामेंटल्स को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक ऐप का भी इस्तेमाल करेंगे, सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करेंगे और मैनुअल प्रोसेस भी बनाएंगे ताकि हमें हाथ से भी बनाना आए। फिर हम एजुकेशन के मेथड पे आएंगे। एजुकेशन में सबसे पहले बेस्ट फील्ड कौन सा रहेगा हमारे लिए, हम अपने रिजल्ट्स के मार्क्स तक निकाल सकते हैं, ठीक है 2-5% ऊपर नीचे होगा कि ए ग्रेड आ रहा है, बी ग्रेड आ रहा है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉरेन एजुकेशन हमारे को सूट करेगा नहीं करेगा, एंट्रेंस हमारे लिए कैसा रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे रहेंगे, स्कॉलरशिप मिलेंगे, इंटरव्यूज, टाइमिंग एंड उनके सिलेक्शन, क्या मुझे MBA सूट करता है, क्या मुझे डॉक्टरी में जाना चाहिए, क्या लॉ ज्वाइन करना चाहिए, क्या जुडिशी सूट करता है, क्या मैं गोलगप्पे की दुकान खोलूं, क्या बिट्टू टिक्की वाले की तरह मैं भी टिक्की का पार्लर खोलूं, मुझे कोई स्पा का काम करना है, जितनी भी लाइनें होती हैं आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आप गाइड कर पाओगे कि क्या एजुकेशन और बच्चे को लाइन सूट करता है। ये जो मेथड प्रिडिक्टिव का है इसको हम डायग्नोज मेथड बोलते हैं। आमतौर पर बाकी मेथड में हम इस तरीके से डायग्नोज नहीं कर पाते, तो ये बहुत फास्ट मेथड है हाउ टू डायग्नोज का। फिर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 70% लोगों की प्रॉब्लम है, कैरियर एंड प्रोफेशन, हमें जॉब में जाना है, बिजनेस जाना है, सुटेबल जॉब कौन सी रहेगी, सुटेबल बिजनेस क्या रहेगा, हमारे फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स क्या रहेंगे। आजकल देखो सारा जनरेशन फास्ट हो गया, स्टार्टअप्स आ गए, तो स्टार्टअप मुझे खोलना चाहिए, कब खोलना चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे बिजनेस को टेक ओवर करना है, लोन बैंकक्रप्ट तो नहीं हो जाऊंगा, मेरे करियर के ऑब्स्टेकल्स क्या है, उसमें इंटरव्यूज आ जाएगा, चैलेंज आ जाएगा, चेंज इन जॉब और बिजनेस, मुझे कब जॉब चेंज करना चाहिए, ट्रांसफर कब होंगे, सस्पेंशन तो नहीं है, बैंकक्रप्ट या कॉर्पोरेट इश्यू, कोई हायरार्की प्रॉब्लम आ रही है या कुछ उसमें स्कैंडल्स इन्वॉल्व हो गए हैं, या कुड़की की सिचुएशन तो नहीं आ गई है, पता लगे एनपी हो गए अकाउंट, ये सारे आंसर हम इसमें निकालेंगे और स्काई इज द लिमिट निकालेंगे। यानी कि कोई आके आपसे पूछता है कि क्या मैं हेलीकॉप्टर ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, तो हम उसको देख के बताएंगे भैया तू बर्बाद होने वाला है या हेलीकॉप्टर ले पाएगा, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम इसमें करेंगे।
फिर उसके बाद हम लोग आएंगे चाइल्ड बर्थ में, ये भी मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक होता है सबके लिए। चाइल्ड बर्थ में जितने भी हमारे प्रेगनेंसी से रिलेटेड इवेंट्स हैं कि चाइल्ड बर्थ के टाइमिंग कैसे कैलकुलेट करना है, मेल और फीमेल चार्ट की क्या इंपॉर्टेंस रहती है। आमतौर पर आप देखो होता क्या है कि शादी के बाद हम लोग पहले पुराने जमाने बोला करते थे भाई शादी के बाद अगर बेबी प्लान कर लोगे तो इजीली हो जाएगा, बाद में आपको दिक्कतें आती है। तो वो दिक्कतें एस्ट्रोलॉजिकल क्यों आती है एक्चुअली में उसके पीछे एक फंडामेंटल क्या है, ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। लड़की का चार्ट दिखाना चाहिए, लड़के का चार्ट दिखाना चाहिए, या उनको मैच कैसे करना है, नो चाइल्ड इश्यूज, बेस्ट प्रेगनेंसी पीरियड कौन सा होगा, क्यों, क्योंकि मेल को 15 डेज का टाइम चाहिए स्पर्म्स पास करने और एग स्पर्म में मिलना है, लेकिन फीमेल को 9 मंथ्स का ब्रैकेट चाहिए। अगर 9 मंथ्स उसके अच्छे नहीं होंगे तो एबॉर्शन और मिसकैरेज हो सकता है। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि ये हमारा राइट पीरियड क्या है जिस पीरियड में हम उनको बोल सकते हैं कि कंसीव करने के लिए अच्छा है। जेंडर के लिए सेक्स ऑफ चाइल्ड मेल है या फीमेल है, एडॉप्शन, आईवीएफ फेल हो गए तो कब करना चाहिए, आईवीएफ करना है या बाहर जाके ट्रीटमेंट करना है, तो इसकी इवेंट प्लानिंग टेक्निक के मैं आपके सामने पूरे केस हिस्ट्रीज डिस्कस करूंगा, बहुत सारी हैं, एक दो चार्ट्स आपको लगाऊंगा ताकि हम इस तरीके से प्लान करके इसको हम यूज कर सकते हैं। इस सिचुएशन के बाद होगा क्या, देखो आपको ये फील आएगा कि आप डॉक्टर एक डॉक्टर की तरह काम कर रहे हो, नॉर्मली नहीं कर रहे आप, आपके पास पूरा मटेरियल है। आप जैसे एक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है कि भाई लाल पैथ में गए, हीमोग्लोबिन डाउन है तो हीमोग्लोबिन की दवाई मिल रही है, लीवर में प्रॉब्लम आ रहा है तो लीवर की हो रही है, सेम हम लोग भी पूरे पैरामीटर को फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे कि ये किस तरीके से हो पाएगा। आगे देखते हैं, प्रॉपर्टी का इवेंट हो गया, प्रॉपर्टी और व्हीकल इन दोनों को हम एक साथ लेके चलेंगे। हमारे पास मकान का योग बनता है नहीं बनता, कब आएगा, कैसा आएगा, पॉश एरिया में आएगा नहीं आएगा, लोकेशन अच्छी होगी नहीं होगी, प्रॉपर्टी परचेज का टाइमिंग क्या है या व्हीकल का टाइमिंग क्या है, लोन की फैसिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, अपने पैसे से जुटा के काम करेंगे या हमें लोन के बिना हम ले ही नहीं पाएंगे, डिफॉल्टर तो नहीं है, और प्रॉपर्टी को सेल कैसे करना है, किस समय सेल करेंगे हमें ज्यादा बेनिफिट हो, कोई डिमोलिशन तो नहीं हो जाएगी कि एमसीडी आके उसको डिमोलिश कर रही है, या प्रॉपर्टी हमने प्लॉट ले रखा है पहले उसको कंस्ट्रक्ट कब करें और कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या टाइमिंग सूट करते हैं, कुंडली में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये सारे चीजें प्रॉपर्टी और व्हीकल के अंदर हम लोग करने वाले। फिर हमारे पास लिटिगेशन आ जाता है। लिटिगेशन भी आज की डेट में बहुत पावरफुल टॉपिक बन गया है क्योंकि मैक्सिमम घरों में कोई डिस्प्यूट अराइज हो ही रहे हैं, तो इसको भी बड़े अच्छी तरीके से प्लान किया हुआ है। सारे लीगल इश्यूज, स्कैंडलेस पीरियड आपके कौन कौन से लाइफ में आ रहे हैं, कोई अरेस्ट के कोऑर्डिनेट तो नहीं आ रहे हैं कि अरेस्ट का योग बन जाएगा, लीगल डिस्प्यूट हो गया, विनिंग सिचुएशंस क्या रहेगी, बेल मैटर्स कैसे रहेंगे, क्योंकि बेल और कोर्ट केस ये दोनों जीत है। बेल जब आप लगाते हो तो अगर बेल रिजेक्ट हो रही है तो एक तरीके से हार होगी, आपको पनिशमेंट होगी, तो बेल मैटर्स, कब बेल लगाना चाहिए, सेटलमेंट्स करना चाहते हैं, कोई आर्बिट्रेटर हम बाहर बैठ के सेटलमेंट करना चाहते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं, किडनैपिंग हो गया, हाउस अरेस्ट, कई बार कोई डाउरी का केस चल रहा है और लड़के के फादर मदर ने अपने आप को हाउस अरेस्ट किया हुआ है, या आज की सिचुएशन लॉकडाउन में हाउस अरेस्ट हुए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं प्लानिंग इसमें आ जाती है। और इवेंट प्लानिंग की रेमिडीज हम लोग कोर्ट केसेस में यूज करेंगे कैसे, एक छोटा सा इसमें भी एग्जाम्पल आपको देता हूँ। होता क्या है कि जो लोग कुछ नहीं कर पाते, भाई मैं ये नहीं कह रहा कि जो लॉयर होते हैं वो कुछ नहीं करते, जो लोग कुछ नहीं कर पाते वो पुलिस के पंगे में इन्वॉल्व है, कुछ कोई कोर्ट कचहरी में इन्वॉल्व है, कोई चोर उचक्कों के साथ इन्वॉल्व है, तो लॉयर का प्रोफाइल देखो है क्या, चोर उचक्कों के साथ इन्वॉल्व है, रेपिस्ट के साथ इन्वॉल्व है, मर्डर के साथ है, कैसे आप बैठे हो एक लॉ, आप लॉयर हो, आपके पास भी मर्डर आ गया या गंदे गंदे बाल हैं उसके, सब कुछ आ गया और आके कहता है भाई साहब एक गलती से ना मर्डर हो गया, तुम्हारा मन करेगा इसको थप्पड़ मारें, लेकिन लॉयर क्या कहेगा, बैठिए ना, ग्रीन टी लेंगे या कोल्ड ड्रिंक लेंगे, ठंडा लोगे चाय लोगे, बात करते हैं ना, क्यों, क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ कि तुम केस लड़ सकते हो उसका। तो अब हुआ क्या, देखो वो किससे बात कर रहा है, वो पुलिस से बात कर रहा है, वो कोर्ट में जाके क्या बात कर रहा है। तो जो लोग कुछ नहीं कर पाते, जिनका छठा आठवां बारहवां घर कनेक्टेड होता है, उनकी एनर्जी को हम लॉ में डाल देते हैं कि आप लॉ में कामयाब हो जाओगे। अब कामयाब कैसे होगे, आप लॉयर का केस देखो, हमारे जेठ मलानी जी काफी अच्छे लॉयर रहे हैं, सबको पता ही है, आसाराम जी का केस का डेट था तो सबको पता है कि वो बाहर नहीं आ सकते, लेकिन जेठ मलानी जी को काफी अच्छे पैसे मिले, वो अच्छी अच्छी फीस दिया करते थे, रेपुटेड लॉयर थे, वो जा रहे हैं, सबको पता है कुछ नहीं होने वाला, वो गए हैं जज के सामने लगाया, जज ने बोला रिजेक्टेड, आगे बाहर आके मीडिया को कह रहे नहीं नहीं खत्म,
यानी कि इतनी बड़ी फीस आप ले रहे हो, पता है लोगों को नहीं हो रहा, तो यानी कि जिसकी एनर्जी में 6, 8, 12 इन्वॉल्व है, उनको इस एनर्जी में अगर हम लगा देंगे तो पता क्या होगा, वो सर्वाइव कर जाएगा और बहुत अच्छा काम कर जाएगा। और एग्जाम्पल आपको एक दो देते हैं। अब देखो, डॉक्टर की हेल्थ खराब नहीं होती, लेकिन डॉक्टर हॉस्पिटल से कनेक्टेड है, डॉक्टर दवाइयों से कनेक्टेड है, डॉक्टर नर्सिंग होम से कनेक्टेड है। तो जो बच्चे की एनर्जी में बीमारी लिखी हुई है और एजुकेशन भी लिखी हुई है, उसको डॉक्टर बना दो। क्यों? अगर उसको डॉक्टर नहीं बनाओगे ना, तो वो बीमार रहेगा या बीमार रहेगी। कैसे? क्योंकि उसको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने हैं, या तो उसको अपने इलाज के लिए लगाने हैं या इलाज करने के लिए लगाने हैं। तो दिस इज ए इवेंट प्लानिंग टेक्निक। अब जैसे एक एग्जाम्पल, अभी कुछ लोग रेज हैंड कर रहे हैं, अभी एक बार क्लियर कर दो, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो एक एग्जाम्पल, अब खली को आप देखो, खली है ना पूरा बॉडी बिल्डिंग वाला आदमी, हम उसको कोई काम बोल दें तो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हम उसको बोले कि तू सिक्योरिटी कंपनी चला ले भाई, तो वहां उसकी एनर्जी काम करेगी। अब जो बहुत एग्रेसिव बंदा है, एग्रेशन भरा हुआ उसके अंदर, 24 घंटे मार कुटाई की बात करता है, लड़ाई की बात करता है, क्यों ना उसको जिम खुलवा दे। क्योंकि देखो, जिम का जो ट्रेनर होता है ना, जिसने अपना खोल रखा होता है, वो उनके लिए आइडियल होता है, क्योंकि उसको पैसे कमाने, वो अपने डोले बनाएगा, बाइसेप बनाएगा, ये बनाएगा, तो 2-3 घंटा वो क्या करेगा, वो जिम में ही लगा रहेगा, तो अपना एग्रेशन निकाल देगा। तो ये आज की साइंस का ब्यूटी है, वो इसलिए है, पहले फीमेल और मेल में बहुत डिफरेंस हुआ करता। इनफैक्ट काफी शास्त्रों में तो फीमेल की कुंडली नहीं होती, वो मेल की कुंडली से चलती है। आज क्या हो रहा है, अब फीमेल काम करने लग गई है, उसके बाद जॉब है, अपना बिजनेस है, वर्किंग है, तो क्या उसका कुंडली नहीं होगा, कहोगा तो, यानी कि पैरामीटर चेंज हो गए। पहले क्या होता था, फीमेल को दो ही काम करने होते थे, बच्चे पैदा करने और घर में तो किचन संभालनी, पता ही है सबके मदर वदर है, आपको पता है उनका लाइफ कैसे रहा है, उसमें बात करने वाली है। अब टाइम चेंज हो गया, अब आपके पास इन्वेस्टमेंट्स भी है, एक फीमेल भी स्टार्टअप प्लान कर रही है कि मुझे ये काम करना है, तो क्या हो गया, अब प्लान चेंज हो गया। तो एस्ट्रोलॉजी तो वैसे का वैसे, शास्त्र तो वैसे का वैसे, तो शास्त्रों को भी चेंज करना पड़ा। पहले कहते थे घोड़ा होगा, गज केसरी का मतलब होता है हाथी और सोना, कौन रखता है हाथी अपने घर पे भाई, पहले रखा जाता था, आज हाथी एस्टन मार्टिन है भाई, आज हाथी एस क्लास है कि भाई वो रखनी है, तो वो बातें करेंगे ना, क्योंकि जो एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है, हम लोग हाथी ले आए, तो हाथी को रखना संभालना पता क्यों मुश्किल बोलते हैं, कि चलो इसको रख भी लो, ये जो वेस्ट मटेरियल निकालेगा ना, यानी कि पॉटी करेगा, वो संभालने में मुश्किल है, वो भी इसकी बहुत हैवी है। तो आज के लिए क्या हो गया, एस्टन मार्टिन का पेट्रोल, यानी कि उसके एक्सपेंसिस बहुत ज्यादा है, एस क्लास के एक्सपेंसिस बहुत ज्यादा है, तो वो मटेरियल चेंज हो गया। तो हमारे सारे मटेरियल आप देखोगे साइंटिफिक और लॉजिकल है, जिस करेक्शन पे भी आपको बोल लगे ना कि ये वाला लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा, तो छोड़ देना उसको, हर चीज लॉजिकल है। क्यों? आज करके पैरामीटर के हिसाब से। आगे चलते हैं, एक बार इसको क्लियर करते हैं। हमारे पास फिर आ जाता है ट्रेवल का आस्पेक्ट। अच्छा, लिटिगेशन में कुछ चीजें आपको और भी बताएंगे, मैंने भी लॉ किया हुआ है, प्रैक्टिस तो नहीं करता, तो कुछ धाराएं जो इसमें लगती हैं वो भी आपको बताएंगे, कौन कौन सी धाराएं हमारी कुंडली में लग रही है। ट्रेवल के अंदर फॉरन सेटलमेंट आज बहुत बड़ा इशू बन गया है, हर आदमी फॉरन सेटलमेंट चाहता है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो आज इसकी भी बहुत क्वेरीज आती है। ट्रैवल किस पर्पस के लिए होगा, ट्रैवल के कॉम्बिनेशंस क्या होगा, सेटलमेंट होगा नहीं होगा, वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, वीजा डिनाइल हो जाएगा, ट्रस्ट करना आप सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हो, आपको प्यार हो जाएगा एस्ट्रोलॉजी से, हालांकि लास्ट में प्यार होगा जब हरहरी आएंगे, अभी तो मैं खाली आपको टॉपिक बता रहा हूँ। तो पूरा ट्रैवल का फंडामेंटल, फिर हमारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी यानी कि हेल्थ, ये वाला पार्ट देखो थोड़ा वीकर रहता है। क्यों वीकर रहता है? क्योंकि अब जो कोरोना डिजीज आई है ना, ये नहीं पता था किसी को भी कि भी कोरोना टाइप का भी कुछ आ जाएगा या आ जाएगा, तो हमें जितना एक मटेरियल पता है क्या कि बीमारी कब आएगी, बीमारी कब जाएगी, सर्जरी तो नहीं होएगी, क्या हम ठीक हो जाएंगे या उसी प्रॉब्लम में जीवन भर बने रहेंगे, ये चीजें परफेक्टली निकाल सकते हैं, बट क्या चीज आने वाली है उसके लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है। तो टाइमिंग ऑफ डिजीज एंड सर्जरीज, टाइप ऑफ डिजीज, डायग्नोज द वर्स्ट पीरियड, हमारे एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएंगे, हमारा इम्यूनिटी लेवल कब खराब होने लगेगा, डिप्रेशन की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, और हमारी लाइफ का एक हेल्थ पैरामीटर का कनेक्शन क्या रहेगा, यानी कि हमारी लाइफ का स्केल क्या है हेल्थ का, आप 3 सेकंड में बता सकते हो, 3 सेकंड में कि यस यार हेल्थ का स्कोर आपका 60%, हेल्थ का स्कोर आपका 40% है, तो हमें ये पता लग जाएगा कि यस हमारे को कंट्रोल करने की जरूरत है। अच्छा, इसी में लविंग केयरिंग भी आ जाएगा। जो बंदा डिप्रेशन में होता है, कोल्ड नेचर में होता है, वो लविंग केयरिंग नहीं होता, जो लविंग केयरिंग होगा ना आमतौर पर वो हेल्दी ही रहता है, आमतौर पर, अगर कोई जेनेटिक वेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है तो उसको। फिर हमारे पास सबसे
एक अहम टॉपिक होता है लॉन्जिविटी, एज कैलकुलेट निकालना। हालांकि जब ये टॉपिक मैं आपको कराऊंगा तो कुछ बाउंड भी करूंगा आपको, ये लोगों को नहीं देखना है आपको, हमारा शास्त्र अलाउ नहीं करता दो चीजों के लिए, आप किसी का जेंडर बताएं और आप एज कैलकुलेट करें। बट वी आर स्टूडेंट, हम लोग सीख रहे हैं, हमें रिसर्च करना है तो हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन आप उसको प्रैक्टिस में यूज नहीं करेंगे। ये भी केस स्टडीज बताऊंगा कि यूज करने के बाद प्रॉब्लम होती है। तो कैलकुलेशन ऑफ लॉन्जिविटी, बाधक एंड मारक के हमारी लाइफ में क्या रोल्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, हमें सबको पता है ये बार मारक आउसा है, ये बाधक इनको बेसिक आता है, ये काम कैसे करते हैं, हमारी टाइमिंग क्या है डेथ के, लॉन्ग एंड शॉर्ट एज का क्या कंसेप्ट होता है और डेथ के रीजन क्या है एज पर आवर चार्ट। और चार्ट में भी कुछ टेक्निकलिटीज होती है, कैसे वो भी आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे, गैलेक्सी स्क्रीन पे आपको शेयर करता हूं। देखिए, आपने लैपटॉप खोला, आपने किसी को बोला डेट ऑफ बर्थ डालो, उसने क्या किया आपका डेट ऑफ बर्थ डाला और प्रिंट आउट निकाला कुंडली का और आप पंडित जी के पास ले गए और पंडित जी वहां देख के बता रहे हैं आपकी तो मेष कदम की कुंडली है, सूर्य आपका पाकिस्तान में बैठा, क्या वो कुंडली ठीक है? सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये, क्या वो कुंडली ठीक है? वो पंडित जी कह रहे हैं हाँ मैंने सॉफ्टवेयर से बनाई है। मेरे लैपटॉप से, एक ही सॉफ्टवेयर से मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, एक ही डेट ऑफ बर्थ और टाइम की और प्लेस की 12 टाइप की कुंडलियां बनेंगी, जिसमें दशा भी चेंज होगा, प्लैनेट भी चेंज होगा। अभी कैसे है देखो, होता क्या है, हमारा एस्ट्रोनॉमी जो होता है ना उसके बेस पे एस्ट्रोलॉजी होता है, जितना भी प्लैनेट का मूवमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमारा एस्ट्रोलॉजी कनेक्ट होता है। यानी कि जब प्लैनेट चल रहे होते हैं और जिस समय बच्चे का बर्थ होता है तो समझ लो वो सोलर सिस्टम का ही ऑर्बिट का फोटोकॉपी अब हमारे पास आ गया। अब देखो, जैसे ही आपने उसको बनाया, चाहे आप पंचांग यूज कर रहे हो चाहे आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, इट्स वन एंड सेम थिंग। यानी कि आप क्या कर रहे हो, डेटा यूज कर रहे हो। जो लोग थोड़ा सा टेक्निकल हैं, आईटी साइड से हैं, उनको समझ में आएगा, एल्गोरिथम्स होते हैं और लॉग टेबल्स होती है। यानी कि हमारे को लॉग टेबल मिलता है कि हमारा सन ऐसे रोटेट करेगा, हमारा मून ऐसे रोटेट करेगा, और लॉग टेबल के हिसाब से डिग्रीज बनती है और हमारा चार्ट आता है। तो ये साइंटिस्ट देते हैं, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी। अब कौन सा साइंटिस्ट का लॉग आप यूज करने चाहते हो, ये तो आपका राइट है। अब आप अगर मिस्टर ए का यूज कर रहे हो तो ये गारंटी थोड़ी ना कि मिस्टर ए ठीक होगा तो मिस्टर बी गलत होगा। क्यों? क्योंकि वो टेलीस्कोप से नासा क्या करता है, रिसर्च करता है कि जुपिटर इतना दूर है। आपको बताऊं, अगले 50 साल तक भी कितना मर्जी नासा रिसर्च कर ले, जुपिटर पे नहीं पहुंच पाएगा। अरे मंगल तो क्रॉस हुआ ही नहीं, मंगल के बाद ही सैटेलाइट नहीं पहुंचता, जुपिटर बहुत दूर है, बहुत दूर, इतना दूर कहने के इतनी पहुंच ही नहीं पाएंगे 100 साल तक भी। तो दीज ऑल आर एग्जम्पशंस। एग्जम्पशन मतलब कि वो इतना दूर होगा और यहां आ रहा होगा। अब इसके अंदर अगर कुछ गलती हो जाती है ना, मान लो सेकेंडों की भी, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो जिसको हम लोग बोलते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, यानी कि हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल, हमारा प्लेनेट जो है ना एक राशि में 2 घंटे तक एक रहता है, तो 2 घंटे तक सबकी कुंडली सेम रहेगी। अरे ट्विंस बच्चे की सेम नहीं होती है, 2 ट्विंस बच्चे जिनके बीच में 2 मिनट का डिफरेंस है ना, एक इंटेलिजेंट होता है एक नहीं होता। ये सीक्रेट रिवील करूंगा, और कैसे रिवील करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं सॉफ्टवेयर पे आपको दिखाऊंगा कि देखो 2 मिनट में क्या चेंज हो रहा है। आप बोलोगे नक्षत्र चेंज हो रहा है, अब एक के ऊपर वीनस नक्षत्र काम कर रहा था और एक के ऊपर मरकरी काम कर रहा था, ट्रिमेंडस डिफरेंस आ गया, क्योंकि मरकरी का एक का खराब था और वीनस अच्छा था, लेकिन प्लेनेट वैसे का वैसे ही। मेडिकल के बाद लॉन्जिविटी आपको बताया, फिर ट्रांजिट। ट्रांजिट देखिए क्या होता है, ये सारा कुछ करने के बाद ना, तो ट्रांजिट क्या है, एक कोरियर बॉय वाला है। यानी कि अमेजोन ने ना वहां से अपने जो उसका मदर वेयर हाउस है वहां से सामान निकाल दिया, और कोरियर वाले ने अब क्या करना है, डिलीवरी देना है। अब मान लो 21 मार्च को किसी का सामान निकला था और लॉकडाउन की वजह से उस तक आज तक पहुंचा ही नहीं, तो प्लैनेट ने क्या बोला, भैया प्रिडिक्शन तो हो गई लेकिन डिलीवरी नहीं हुई, तो ट्रांजिट डिलीवरी देता है। यानी कि किस समय आपका कैलकुलेशन आपको डिलीवर होएगा, ये ट्रांजिट करता है। तो ट्रांजिट के कैलकुलेशन को हम लोग क्या करेंगे, दशा पैटर्न के साथ करेंगे, और मैनुअल और सिस्टम ओरिएंटेड, इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है कि हम उसको मैनुअल भी रीड करेंगे और हम उसको सिस्टम से भी रीड करेंगे कि हमारे ग्रह कैसे चल रहे हैं। हम टक चलाएंगे, ग्रह चल रहे होंगे, हम उसको कॉम्बिनेशन देखेंगे, क्योंकि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है। शनि की 7.5 कैसे कैलकुलेट होती है, 1 मिनट में बता दोगे आप कितना असर कर रही है, क्या नहीं कर रही है। शनि कहां मारेगा इस साल आपको, अगर 7.5 चल रही है, फाइनेंस पे मारेगा, वाइफ को प्रॉब्लम करेगा, हस्बैंड को प्रॉब्लम करेगा, बच्चों को करेगा, क्यों, हमें इवेंट कैलकुलेट करना आ चुका होगा। और हमारे डेली के इवेंट, आज काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आज पैसा लगाना चाहिए लगाना चाहिए, तो हम पूरा ट्रांजिट के मेथड से इसको सीख पाएंगे।
ये एक एक दिन के टॉपिक हैं, क्योंकि शुरू में जब आपको रूल्स आ जाएंगे ना तो ये बड़ा मजा आ जाएगा करने के लिए आप। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर आता है होरेल, यहां पर आपको प्यार हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है, आज लिख लेना कि प्यार हो जाएगा। ये इतना ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी है कि आपके पास होरोस्कोप है या नहीं है, और आप अगर किसी इवेंट के लिए फंस गए कि हम ये वाला काम करें नहीं करें, हमें जाना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो ये इतना सुंदर प्रश्न टेक्नोलॉजी है, और थोड़ा हमने इसमें टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट भी किया हुआ है, तो मोस्ट अमेजिंग आंसर्स आपको मिलेंगे। यानी कि इसमें भी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरे को एक क्लाइंट, क्योंकि हम वास्तु भी करते हैं, तो एक क्लाइंट मेरे को गोवा में ले गए और एक रिजॉर्ट उन्होंने फाइनल करना था, तो साउथ गोवा में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी और आधा बना हुआ था। अच्छा, हमारा तो फीस था, उन्होंने चार्ज दिया था, टिकट दिया था, हम गए थे अपना लेने के लिए। तो जैसे ही वहां पे गए, उन्होंने जो मेरे को पिक्चर प्रेजेंट किया था कि यहाँ पर हम आधा, काफी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे थे, आधी प्रॉपर्टी पे हम लोग करने वाले हैं, और आधी प्रॉपर्टी जो है ना वो आधी कंस्ट्रक्टेड है, तो ये इस पे हमने वो करना है, एक बार वास्तु देख लो। मुझे तो उन्होंने वास्तु के लिए बुलाया, तो मैंने देखा ये जाएगा कौन अंदर, जंगल हुआ पड़ा है, ये कितने साल पहले की बिल्डिंग है, कह रहे 7-8 साल पहले की, और झाड़ ही झाड़, पेड़ ही पेड़, पता नहीं सांप ही ना हो, और वो भी समुद्र के बिल्कुल किनारे के ऊपर। लोकेशन वॉज गुड, बट वहां कोई जा ही नहीं सकता, तो उसको जाएंगे कैसे, 15-20 दिन तो आपको रास्ता खोलने में लगेगा, प्रॉब्लम क्या है, और ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है, मेरे को सब कुछ क्लियर है, क्लियर है। तो मैंने होरेरी का टेक्निक लगाया, मोबाइल ऐप खोला, एक नंबर लगाया, तो नंबर में मेरे को ना कुछ कंसेप्ट मिला, 3, 4, 8, 12 एक कंसेप्ट होता है जिसमें पुलिस का पंगा होता है, और तीन का जब तीन तीसरे हाउस का लॉस होता है ना, तो इसका मतलब कुछ डॉक्यूमेंट की दिक्कत है। मैंने फटाफट अपने क्लाइंट को बोला, भैया इसके टाइटल वाइटल देख लिया आपने सारे, कह रहा सब क्लियर है, कल आने वाला बंदा आपके सामने मीटिंग करूंगा। मैंने कहा फिर भी एक बार फोन कर लो, हम 2 दिन के लिए वहां थे। आप देखो क्या हुआ, 11:30-11 बजे इनकी मीटिंग थी, ये लोग बैठे, और वो बंदा आके, जब इन्होंने टाइटल की बात करी ना, तो कागज नहीं थे। तो गोवा में क्या होता है, गोवा की प्रॉपर्टी में अगर कोई आप लोग जानते हो ना, तो कोई ना कोई पैट्रिक निकल आता है, कोई ना कोई वो निकल आता है, क्योंकि वो पुरानी प्रॉपर्टी है, बड़े सारे लोग हैं, किसी की डेथ हो गई है, बाद में निकल आता है जी मैं तो हूँ। वो वहां का हाल बहुत डिफरेंट है। तो हुआ क्या, उन्होंने बोला, कहते वाकई में ये डॉक्यूमेंट जो है ना, ये जिसके जिसकी डेथ हो गई है वो बंदा अवेलेबल नहीं है, बट वो कह रहे हैं उसके नाम पे ना हमें क्लियरेंस मिल जाएगा। मैंने कहा फंस जाओगे पैसे लगा के, 100-200 करोड़ लगा के फंस जाओगे, और कल यही आ रहा था झोल, तो कहते नहीं लगाएंगे। अच्छा, और देखो बाई चांस अगर वो लगा लेते, अभी की बात है ये 2-3 महीने पुरानी बात है, नवंबर की बात होगी, तो ये वाला लॉकडाउन का पीरियड ने सारा का सारा चौपट कर लेना, तो कई बार भगवान इंडिकेशन दे देता है। तो होरेरी का मतलब क्या है, आप कहीं भी जा रहे हो, आपने ऑब्जर्व करना है कि मैं ये काम करूं नहीं करूं, बहक जाना है, जैसे होता है ना बहक गए, क्यों, उसके बाद आपके पास रिसर्च निकलेगा कि आप क्लाइंट को ट्रीट करके बता सकते हो कि आपको ये काम करना है नहीं करना, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन जाती है, क्योंकि डिवाइन कहीं ना कहीं से हमारे को कनेक्ट भी करता है, क्योंकि हम उसके साथ कनेक्टिंग है। और डिवाइन से भी कैसे कनेक्ट होना, ये भी फॉर्मूला आपको बताऊंगा। सबसे पहला फॉर्मूला, दिल खोल के फीस लो, आपका मन करता ना 1 लाख रुपए लेना है, 1 लाख रुपए लो, लेकिन चीटिंग 1 रुपए का नहीं करता। यानी कि लोग क्या करते हैं, पत्री फ्री देखते हैं, आओ जी, और नग पहना देते हैं, नहीं करना। पता है क्यों, कोई आदमी आप पे फेथ करके क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए निकाल के ले आया भरोसा करके, और आपने सिर्फ नग में पैसे कमाने थे, यानी कि स्टोन में कमाने थे, अब आपको भुगतान करना पड़ेगा। और अगर आपने 1 लाख रुपए की फीस रखी हुई है ना, और वो आया आपके पास, तो अपनी मर्जी से आ रहा है वो, भाई आज आप बच्चे को बीएमसी में भेजते हो, फिट जी में भेजते हो, कहते 4 लाख फीस है, आप ही भेजते हो, जबरदस्ती थोड़ा बुलाते हैं भाई, आपको तो अगर एमबीए कराना है, बच्चे को इंजीनियरिंग कराना है, तो भेजना पड़ेगा। तो फीस जितनी मर्जी लो, वो आपका, अच्छा वो नहीं अफोर्ड कर पाएगा तो नहीं आएगा, मना कर देगा कि मैं नहीं फीस कर सकता, लेकिन आपने क्या किया, श्रद्धा के अनुसार उसको बोला पूजा करा लो या स्टोन डाल लो, ये गलत। तो इसलिए हमें पहले अंदर से प्योर होना पड़ेगा कि हम जो काम कर रहे हैं ना, ये साइंटिफिक कर रहे हैं हम, मेरे हाथ में कोई नग नहीं है। और जेम स्टोन की क्लास के अंदर मैं गारंटी देता हूँ 80% लोग उतार देंगे, उन्हें पता ही नहीं कि डालना नहीं डालना। एग्जाम्पल देता हूँ उसका, किसी ने पन्ना डाल रखा है और वो कहते हैं मेरा बुध जो है ना बहुत बढ़िया है, तो इसका मतलब बच्चा भी दे देगा, शादी भी करा देगा, एजुकेशन भी देगा, प्रॉपर्टी भी देगा, पैसा भी देगा, सब कुछ कर देगा। फिर पंडित जी कहते हैं ऐसे थोड़े ना होता है, जिस घर में बैठा है वही करेगा, तो बेड़ा गर्क क्या करेगा, कहते बेड़ा गर्क ये करेगा कि ये वाला जो प्लैनेट है ना, बच्चा पैदा नहीं करेगा, क्या पता उसका बच्चे का ही प्रॉब्लम और आपने डलवा दिया। तो प्लैनेट और स्टोन का क्या कनेक्शन है, स्टोन उसकी पावर इंक्रीज करता है, स्टोन की आंखें नहीं है कि मेरे को पावर घटानी है या पावर बढ़ानी है। तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक्चुअल स्टोन कौन सा डालना है।
अगर आपका स्टोन बहुत फेवरेबल है डालना, तो अच्छे से अच्छा डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि लक है। और अगर वो स्टोन चार इवेंट के लिए तो ठीक है और तीन इवेंट के लिए खराब है, तो पहले देखो कि जो तीन इवेंट के लिए खराब है वो कोई डेंजरस तो नहीं है। पता लगे पैसा तो दे देगा स्टोन, लेकिन फैमिली लाइफ खराब कर देगा। और फैमिली लाइफ का ज्यादा बड़ा इशू है, फैमिली मतलब छोटी सी बात पे झगड़ा हो जाता है तो फिर कॉम्प्रोमाइज करना। या पैसा तो दे देगा लेकिन हेल्थ खराब कर देगा, तो मेरे ख्याल से हेल्थ की प्रायोरिटी ज्यादा है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, पैसा तो आ जाएगा। तो ये आपने खुद चेक करना है कि कौन से इवेंट के समय कौन सा हमारे को डालना है। फिर हमारे पास लास्ट में एक प्रोसेस बचेगा बीटीआर का, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। ऐसी बहुत सारी कुंडलियां आएंगी आपके पास जिनके पास डेट ऑफ बर्थ तो टाइम नहीं होगा, तो हम उनको भी या तो होरेरी से मैनेज करेंगे या हम उनका कंसेप्ट निकालेंगे। ऑकल्ट साइंस के हमारे जो 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 पैरामीटर होते हैं, इसमें कुछ आपको मैं बाकी साइंसेस भी कनेक्ट करूंगा कि किस तरीके से हम उन साइंसेस को कनेक्ट करते हैं। जैसे लाल किताब में दुरुस्ती होता है, कुछ डीएनए फॉलो करते हैं, कुछ ये फॉलो करते हैं, कैसे कनेक्ट करना है। हालांकि जिनको आएगा वही कर पाएंगे लाल किताब वगैरह, लेकिन मैं प्रोसेस बता दूंगा। और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन प्रोसेस मैनुअल भी करना है और सिस्टम बेस्ड भी करना है। कैसे? अगर वो कहते हैं कि भाई 12 बजे से लेके 12 बज के 30 मिनट में मैं पैदा हुआ, तो हम क्या करेंगे 12 से 12:30 के बीच में हम देखेंगे कि टाइमिंग में क्या एडजस्टमेंट आ रही है। 12 बज के 20 मिनट पे शादी खराब होनी चाहिए, तो अपन क्वेश्चन पूछेंगे ना उनसे, मैरिड लाइफ कैसे है, कहेंगे बहुत बढ़िया। तो 12:20 नहीं है, 12:25 में मैरिड लाइफ तो बच्ची है लेकिन बच्चा नहीं होना चाहिए, तो 12:25 में पूछेंगे बच्चे में कोई दिक्कत नहीं आई, कहते हैं हाँ बेबी लेट हुआ, तो यस 12:25। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर करके उसका बीटीआर हम लोग प्लान करेंगे। लास्ट में हम लोग करेंगे रेमेडीज का सेशन। हालांकि रेमेडीज के लिए भी देखो मैं आपको पहले कुछ चीजें क्लियर कर दूं, अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपको दो टेक्निक आनी चाहिए, एक तो डायग्नोस करने की और एक सर्जरी करने की। सर्जरी का मतलब हो गया कि आप डॉक्टर ट्रेन हो। अब जैसे एग्जाम्पल से मैं बताता हूं, किसी के चेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है, उसको लग रहा है कि मुझे ना चेस्ट में दिक्कत है, और आपने क्या किया डॉक्टर के पास चले गए जो आपका पड़ोस में डॉक्टर बैठा हुआ, वो सबसे पहले पता क्या करेगा, वो ईसीजी करेगा 150 रुपए का और देखेगा, फिर आपसे सिम्टम पूछेगा, फिर आपको पता क्या करेगा एस्प्रिन दे देगा, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट दे देगा। वो ये नहीं कहेगा जाओ लेट जाओ एंजियोग्राफी कर देगा, नहीं 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 करेगा। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो रिकमेंड करते। अब बाय चांस आप गुड़गावा से निकल रहे हो और वहां मेदांता लिखा हुआ है डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल, और आपकी हल्की सी प्रॉब्लम हो रही है और आप चले गए, आपको पता है जब आप वहां से आओगे ना तो एंजियोग्राफी करा के ही आओगे, क्योंकि उनका जो पहला टेस्ट है ना वो एंजियोग्राफी है, और जो फिजिशियन है उसका जो पहला टेस्ट है वो ईसीजी है, क्योंकि बेचारे ने उससे काम करना है। तो दोनों का देखो डिफरेंस क्या है कि हमें सर्जन बनना है या डायग्नोस करना है। तो बिना डायग्नोस के सर्जरी तो नहीं कर सकते, ये तो परफेक्ट है। तो हम अभी कोर्स जो कर रहे हैं वो डायग्नोस का कर रहे हैं, हालांकि इसमें सर्जरी भी करेंगे। कैसी? इवेंट प्लानिंग, स्टोन की, दान करने, मंत्र, जो आपको पता है वैदिक परंपरा है। लेकिन ऑपरेशन करने के लिए क्या होता है, लॉजिकल रेमेडीज और मॉडर्न रेमेडीज, जिसमें एक्यूरेट मेथड ऑफ जेमस्टोन, मैंने आपको बताया जेमस्टोन का सिलेक्शन, आपका मंत्रास कैसे यूज करना है, कुछ तंत्र होते हैं हमारे यंत्र स्थापित करते हैं वो कैसे यूज करना है, पूजा कब और किसकी करनी चाहिए, दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पता ही नहीं लोगों। अगर जिस चीज का दान आपको नहीं करना अगर आपने कर दिया तो इट मीन्स आप अपना एनर्जी दे रहे हो, और जिस चीज के दान से आपको बेनिफिट मिलता है उससे आप क्या कर रहे हो, अपना नेगेटिविटी फील कर रहे हो, यानी कि उसको खत्म कर रहे हो। तो दान करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो टेक्निक करेंगे। और लास्ट में जो मैंने आपको बताया मोस्ट पावरफुल, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इन्वेंटेड बाय मी है, इवेंट प्लानिंग टेक्निक। क्योंकि मेरा आईटी बैकग्राउंड है और मेरे पास मैक्सिमम जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट्स हैं, तो जब वो लोग आते हैं तो उन्हें हमारे को इवेंट प्लानिंग टेक्निक देना पड़ता है, नए मेथड देने पड़ते हैं, तो ये हम यूज करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आपका ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और किसी भी प्रकार की ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट है और आप उसको साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से सीखना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूँ। नमस्कार।